सारे भारतवासियों और नेपाल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे वीडियो जल्द से आप तक पहुंच सके। और पोस्टर देख के आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, वैसे तो ये विराज भट्ट और रेखा थापा जी का मूवी है कोई, मुझे इस मूवी का नाम नहीं पता। आप लोगों ने ये देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे एक क्लिप मिला है तो शायद ये एक्शन सीन है, क्योंकि विराज भट्ट का अगर कोई मुझे क्लिप मिला है तो नॉर्मल सी बात है, एक्शन ही होगा। मुझे ऐसे काफी सारे क्लिप मिल जाते हैं लेकिन मुझे उनका मूवी का नाम पता नहीं होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज बड़े दिनों बाद मैं कुछ ऐसा पुराने फिल्म का रिएक्शन करने जा रहा हूँ, नहीं तो बारह गाँव में ही मैं बिजी था, और बारह गाँव हो गया, छक्का पंजा और ज्वाइन साहब, इनमें बिजी चल रहा था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, आज बारह गाँव नहीं होता अगर ये पुरानी फिल्में विराज भट्ट की नहीं होती तो। तो इसीलिए मैं कभी भी पुरानी फिल्मों को नहीं भूलता हूँ, उन फिल्मों को हमेशा याद रखिए जिन फिल्मों से हमारे सुपरस्टार आज सुपरस्टार बन के बैठे हुए हैं, जैसे कि राय सेमाल, निखिल उप्रेति, भुवन केसी, विराज भट्ट, दिलीप रायमा जी और भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं हमारे इंडस्ट्री के। तो मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई पुराना क्लिप मिल जाए जो मजेदार हो और आप भी एंटरटेन हो जाए और मैं भी एंटरटेन हो जाऊँ। अगर आप चाहते मैं आपके मनपसंद वीडियो पर भी रिएक्शन करूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भेज के जरूर बताइएगा। मेरे इंस्टा आईडी का नाम है IMRNSA09। चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। विराज भट्ट फाइट सीन, मूवी का नाम नहीं पता, आप लोग बताना। 1, 2, 3 एंड मुझे बिहे हुन बाँकी नै छ, यति चाँडो चाहिँ मर्ने कुरा नगर है गंगा, बरु यो साडी गएर फाल्दे। सुहाएन तँलाई रातो साडी कति सुहाउँछ थाहा छ? विद्यानाश भन्छु म, नपत्याए हेर्छस्? टेकु पिट्ने वाले काम कर रहा है ये। ओ भाई सिन्दूर डाल रहा है क्या? लाहेर विद्यानी भएर गलेको जीव अब पो फलेको छ। सो के त अच्छा किया आगे मजे तल अब तल त आगालो हाल्नु पर्ने हातले मलाई हेर्दोस। ये पिटेंगे पक्का ही। राइस माल ओ विराज भट्ट इसकी धुलाई करेगा तगड़े वाली। आज ये बच्चा बताएगा दीदी दीदी है उसकी ना। ओ बस अब ये गए ये लोग। विराज भट्ट इनकी धुलाई करेगा बहुत जबरदस्त वाले। अच्छा वो भी जवाब दे रही है भाई। क्रूरता दिखा रहे हैं अब, इनके साथ भी क्रूरता ही होगी अब ये बताएगा। अब गए भाई तुम लोग। बाबू राजा फिल्म का नाम तो नहीं कहीं बाबू राजा। बॉल में पाउडर लगा हुआ है। एक बॉल से सबको उड़ा दिया। ये विराज भट्ट से कहाँ लड़ लोगे तुम लोग यार? ये लो फिर भाई बैक किक। ओए 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 पावरफुल मारते जो मारते थे यार। ये ले यार। ओ भाई अच्छे विलन भी तगड़ा लग रहा मुझे, एक्शन एक्शन करता है ये हेड। ये ओ भाई राउंड की जबरदस्त जबरदस्त राउंड की है ये। ओ भाई कंटिन्यूअसली ओ भाई ये भी खतरनाक है विलन यार।
विलन भी तगड़ा है। ये सनी देओल बनेगा पक्का, सबको उड़ा देगा। कपड़े फट गए, बॉडी तो अभी भी ऐसी दिखती है इनकी यार। क्या बात है, ये भाई इतने पंचे कौन मारता भाई रेगुलर यार। ये ले गया गया, इतने सारे गुंडे होने का इतना उछलने का क्या फायदा, लास्ट में मार खाना। बॉडी चेक करो विराज भट्ट की यार, नेचुरल बॉडी गंगा दीदी और खतरनाक बॉडी। तपाईको कोठामा ताल चलाइ रहेछ, मेरो कोठामा इन जाऊ भाई इन कदम। इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। यार इस फिल्म का नाम हो सकता है बाबू राजा हो, क्योंकि वो लड़का बार बार चिल्ला रहा था। अक्सर फिल्मों में जो फिल्म का नाम होता है उस नाम से ही पुकारते, वैसे बाबू राजा काफी बार चिल्लाया वो बच्चा, तो हो सकता है बाबू राजा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। बाकी मजा आ गया यार, और बॉडी क्या बॉडी थी, और दिखाने का तरीका भी अच्छा लगा मुझे कि सबने उसको पकड़ रखा। नॉर्मली क्या होता है फिल्मों में कि वो यूं फेंक देते हैं, जैसे सनी देओल की फिल्म में ज्यादा होता था, क्योंकि सनी देओल भी ताकत के लिए माने जाते हैं, तो सबको यूं उड़ा देता था। लेकिन इसमें ये चीज दिखाई गई, जैसे सबको उड़ाया तो उन्होंने कहीं ना कहीं कपड़ा भी तो पहन रखा, पकड़ रखा था। जो विलन्स थे हमारे साइड में, जो गुंडे थे, तो वो यूं किया और सारे कपड़े फाड़ दिए। और क्या बॉडी थी, और किक्के यार राउंड के क्या मारते हैं विराज भट्ट यार, मतलब ना सोच से बाहर है इतने स्पीड और पंच। हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो सुनील शेट्टी होते थे 90s के टाइम में, तो मोहरा फिल्म आई थी, मोहरा फिल्म में क्या था कि वो सुनील शेट्टी का बड़ा फेमस हुआ था, क्योंकि सुनील शेट्टी घूम के पंच मारते थे ये, और पीछे घूम के धड़ धड़ धड़, और अक्षय कुमार घूम के किक्के मारते थे। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी जमती थी पहले 90s के टाइम में, लेकिन सुनील शेट्टी को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया विराज भट्ट इतना फास्ट। यार मैंने एक अग्निज्वाला मूवी का भी किया था, उसमें भी क्या पंच मारा, और पंच मारते साथ में किक भी मारते हैं ये, तो इनका पंच और किक का ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो मजा आ जाता है देख के। और इनके जो आवाज़ है, चिल्लाने का तरीका, और जो पोज देने का तरीका है, खड़े होने का तरीका है, अल्टीमेट होता है। और इसमें तो कुछ वो खुले खुले से कपड़े पहने हुए तो और अच्छा दिख रहा था, जिस जंप लेके किक मार रहे थे, तो यार मुझे तो बहुत मजा आया मैं सच बताऊँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और इस फिल्म का नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसका नाम बाबू राजा तो नहीं है। तो चलो आपसे विदा लेने का वक्त आ गया, वीडियो काफी लंबी होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। माता पिता का भाई बहन का दोस्तों कपड़ों से कर मेरा भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो पे लाइक कमेंट, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और जिनको जो लोग अभी विराज भट्ट को 12 गाँव के वजह से जानते हैं, उनको भी पता चले कि 12 गाँव से नहीं भाई, वो पहले से ही सुपरस्टार थे, और बाघ थे, बाघ मतलब शेर थे, और पुराने टाइम का ही वो अभी तक वो जोश है उनके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय नेपाल, जय भारत।